स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान अगर आपको किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, एक्स वाई जेड अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे किसी प्रकार की अगर आपको सहायता चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, मतलब रेल मदद कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो पे आप बने रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे बहुत से व्यूअर जानना चाहते हैं कि हम रेल मदद कैसे ले, अगर कुछ भी इमरजेंसी हमारे साथ होता है तो हम कहाँ, मतलब हमें क्या किस टाइम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इंस्टेंट रेल मदद लेना है, मतलब कोई भी सोल्यूशन का तुरंत अगर आपको रिप्लाई चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा स्टेशन पे जो मतलब उस ट्रेन के कोच के अंदर जो TTE हो उनसे संपर्क करें, जो RPF का जवान हो उनसे संपर्क करें, या फिर अगल बगल कोई रेलवे स्टेशन आने वाला है तो उनसे संपर्क करें। XYZ आपको कोई भी रेल मदद लेना हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड लेना हो, चाहे सुरक्षा से रिलेटेड लेना हो, या फिर एक हिसाब से देखा जाए अगर कोच से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही उससे भी लेना हो, क्योंकि वहाँ के जो TTE हैं उनसे संपर्क करें, सबसे जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ अगर आपको 139 पे कॉल करेंगे तो वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मान चलो स्थिति एकदम नाजुक होती है और जो हमारा अगला स्टेशन है वो आने में कम से कम एक घंटा जितना टाइम लग सकता है और बीच के स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुक रही है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको 139 पे कॉल करना पड़ेगा। 139 पे जैसे आप कॉल करेंगे तो आपको पहले ही बोल देगा सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको मदद चाहिए तो एक नंबर टेप करें। जैसे एक नंबर टेप करेंगे, हालांकि दोस्तों कई बार कॉल जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, कई बार कॉल नहीं कनेक्ट होते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से रेलवे को बताना चाहता हूं जो हेल्थ और चिकित्सा और सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस है उसको थोड़ा और फास्ट करें। उसके बाद उनका एक बंदा कॉल उठाएगा और सामने से आपसे पूछेगा आपको किससे रिलेटेड सर्विस चाहिए, उसके बाद आपको एक कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ेगी। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद वो उस ट्रांसफोर मतलब ये 139 एक कस्टमर केयर वाले रहते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, इनका काम ये रहता है, इनका काम ये रहता है, वही अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी सर्विस मांगते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी सर्विस मांगते हैं, उस डिपार्टमेंट को कॉल ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम 139 पे क्या आती है, जब वो डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं तो कम से कम आधा आधा घंटा तक हमको वेटिंग ही रहना पड़ता है। तो एक हिसाब से देखा जाए रेलवे को ये चीज़ें और अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है। मैंने खुद एक बार कॉल किया था, जब वो डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आधा आधा घंटा तक रिंग जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हालांकि जब 40 से 45 मिनट हो गया तो मैंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद मेरे पास सामने से फ़ोन आता है कि सर आपका एक कंप्लेन आया था, उसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हो गया हो तो बोलो मैं केस क्लोज कर दूँ। यानी मिला जुला के आप देख सकते हो 139 पे हमको रिस्पॉन्स मिलने में एक घंटा पूरा लग गया। अगर इस सिचुएशन में सिक्योरिटी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड किसी को मदद चाहिए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, मतलब अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रेलवे की 139 सर्विस मेरे हिसाब से उतनी बेटर नहीं है। कस्टमर केयर वाले तुरंत रिस्पॉन्स दे देते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट उनके रहते हैं डिपार्टमेंट वाले अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते। रेलवे को ये सर्विस और अच्छी करनी चाहिए और व्यवस्था इसमें लाना चाहिए, या फिर अगर स्टाफ की कमी है तो और स्टाफ इसमें भरने चाहिए रेलवे को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार जो कस्टमर केयर वाले रहते हैं वो भी डिपार्टमेंट वाले को ट्राई करते हैं, बट वो भी बोलते हैं सर लाइन बिजी आ रहा है इसकी वजह से कॉल नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड कभी भी अगर आपको इमरजेंसी मदद चाहिए तो कोच में ट्रेन में तैनात TTE से संपर्क करें। RPF के जवान भी उसमें रहते हैं। अगर मैं आपको बता दूं एक ट्रेन में कम से कम 4 से 5 RPF के जवान तैनात किए जाते हैं, या तो AC की बोगी में ज़्यादातर दिखते हैं, आप उनसे संपर्क करें, या बीच में गाड़ी की अगर रफ्तार स्लो होती है तो वहाँ पे भी आप अपना मतलब कि अगल बगल छोटे मोटे स्टेशन संपर्क कर सकते हैं। एक हिसाब से मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी इमरजेंसी सर्विस चाहिए तो आप जो स्टेशन पे जो लोग मौजूद हैं रेलवे के अधिकारी उनसे ही संपर्क करें, या फिर जो ट्रेन में स्थित हैं सबसे पहले उनसे संपर्क करें, वही आपके मदद का इंस्टेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं। बाकी अगर आप 139 पे कॉल करेंगे तो कभी कभी हो सकता है आपके कॉल का सॉल्यूशन जल्दी हो जाए, कभी कभी एक घंटा जितना लग सकता है। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम है तो आप 139 पे कॉल कर दीजिए, एक घंटे के अंदर उनका जो भी रिस्पॉन्स होगा आपकी तरफ से आ जाएगा। अब हमारे कुछ यूजर्स पूछना चाहते हैं सर अगर हम ट्विटर पर ट्वीट करें तो हमको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, तो भाई ट्विटर पे अगर आप ट्वीट करोगे कई बार क्या होता है जो ट्विटर हैंडल करता है इंडियन रेलवे का इंस्टेंट वो ट्विटर का रिप्लाई
दे देता है। कई बार क्या होता है एक एक घंटे बाद रिप्लाई आता है, कई बार दो दो तीन तीन घंटे हो जाते हैं रिप्लाई आते ही नहीं है। या बहुत से लोग कई बार क्या करते हैं ट्विटर पर ट्वीट करते समय टैग करना भूल जाते हैं, तो वो गलती खुद करते हैं। और रेलवे का भी कभी कभी रिस्पॉन्स 2 से 3 घंटे मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को इमरजेंसी हुआ, मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए मैं आपको बार बार दोस्तों अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी अगर आपको रेल मदद चाहिए ट्रेन जर्नी के दौरान, तो ट्रेन में मौजूद TTE से संपर्क करें, RPF जवान से संपर्क करें, या तो गार्ड से संपर्क कर सकते हैं, या तो आप लोको पायलट से भी संपर्क कर सकते हैं। ये सभी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, अगला स्टेशन जो स्टेशन मतलब जो ट्रेन की स्टॉपेज है 2 घंटे बाद है, अगर सिचुएशन नीमी से ज़्यादा ख़राब होती है तो रेलवे क्या करेगी, इमरजेंसी में नर्स या अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो स्टेशन पे आपको भेज दिया जाएगा ट्रेन में। अगर फिर भी नहीं ऐसा सिचुएशन होती तो कोई बीच के स्टेशन पे रेलवे आप मतलब वो ट्रेन खड़ी कर दी जाएगी, उसके बाद जो भी उससे हेल्प होगा रेलवे पूरी हेल्प आपके साथ करेगी। तो दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए रेलवे जो हमसे टिकट का प्राइस लेती है उसके साथ साथ तो हेल्थ का भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। एक हिसाब से देखा जाए तो रेलवे अलग से कोई पैसा नहीं लेती अगर छोटे मोटे चीज़ें वहाँ पे होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी होता है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेशन करता हूँ, अगर आप नॉर्मल यात्रा कर रहे हैं तो एक पैरासीटामोल या XYZ कुछ, जैसे सर दर्द बुखार दर्द ऐसा कुछ अगर आपको महसूस हो रहा है तो 1-2 दवाई लिए रहें, जिससे आपको मतलब प्रॉब्लम रास्ते में ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर आपको इंस्टेंट और फास्ट रेल मदद चाहिए तो 139 पे भी जल्दी मतलब 139 भी नहीं ट्यूटर भी नहीं, जो आपके स्टेशन या फिर जो आपके कोच में अवेलेबल हैं, जो आपके ट्रेन में अवेलेबल है, TTE हैं जो और RPF के जवान हैं, यहाँ तक कि आप गार्ड से भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे आपका इंस्टेंट मतलब जो सोल्यूशन होगा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के ये वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला था आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है लोग जर्नी तो करते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता है और 139 पे लगे रहते हैं एक एक घंटे तक उनके कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए जो आपके पास है, जो आपके नज़दीक है TTE RPF और गार्ड, सबसे पहले उससे संपर्क करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। सो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बोय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।